चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हमीरपुर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में कांग्रेस ने बाजार में डोर टू डोर जाकर प्रचार किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में पूरे बाजार की परिक्रमा की और दुकानदारों से रामलाल ठाकुर के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने दावा किया कि इस बार हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर जीत का परचम लहराएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी और सभी हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो जो प्रचार चल रहा है वो आज आखिरी इसमें चला हुआ है और जिला कांग्रेस कमेटी है आज शहर के अंदर डोर टू डोर और दुकान टू दुकान जो है प्रचार कर रही है। और निश्चित तौर पे भाजपा सरकार ने 5 साल के भीतर जो झूठे वायदे किए थे, जो झूठे जुमले दिखाए थे, आज जनता जागरूक है उस चीज़ के लिए और आज जो है उनके जो झूठे वायदे हैं उनमें आने वाली नहीं है। और निश्चित तौर पर रामलाल ठाकुर जी जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी हैं वो इस बार जीत सुनिश्चित होगी और कांग्रेस जो है वो पूरे प्रचार में पूरी तरह से अपना जो है पूरा जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, युवा कांग्रेस है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो डोर टू डोर और शहर के अंदर अपना प्रचार जो है वो जोरों से शुरू कर रखा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के रामलाल ठाकुर पर लगाए गए आरोपों पर नरेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि रामलाल ठाकुर पर अनुराग ठाकुर बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर से पूछा कि रामलाल ठाकुर कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं रहे हैं, जो कि अपनी उपलब्धियों को बताएं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि अपने नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं। रामलाल ठाकुर जी कोई यहाँ से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। पहले तो मैं अनुराग ठाकुर जी से ये जानना चाहता हूँ कि वो 3 बार यहाँ से सांसद रहे, वो ये बताएं कि हमीरपुर जिला के लिए और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए वो कौन सी ऐसी एक प्रोजेक्ट लेकर आए या युवाओं के लिए कोई एक ऐसी उपलब्धि लेकर आए वो आज इस जनता को बताएं। आज वो क्यों अपने नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, क्यों अपने पिता जो उनके 2 बार के मुख्यमंत्री रहे उनके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, आज वो मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। परंतु जहां तक रामलाल ठाकुर जी की बात है, वो इस प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, 6 बार वो विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने जब जब भी उनको जिम्मेवारी सौंपी गई, उन्होंने इस प्रदेश के लिए, यहाँ की जनता के लिए, उन्हें जब वो कैबिनेट मंत्री थे इस जनता के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। और आज भी रामलाल ठाकुर जी जो एक ईमानदार और एक ऐसी छवि के व्यक्ति हैं जिनको आज जनता जो है उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और निश्चित तौर पर इस बार जो है वो रामलाल ठाकुर जी की जीत सुनिश्चित है। वहीं रामलाल ठाकुर पर रोड शो के दौरान गाड़ी के पंचीशे करके प्रचार करने पर जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अनुराग ठाकुर बताएं कि अनुराग अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहे हैं और केवल चुनावों के समय ही संसदीय क्षेत्र में दिख रहे हैं। रामलाल ठाकुर जी जो वो कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी उनके लिए जो कह रहे हैं कि उस शीशे के बंद इसमें गाड़ी में रहे, परंतु 3 बार वो सदस्य रहे पार्लियामेंट के, वो ये बताएं कि आज तक जब वो चुनाव आते हैं वो हमीरपुर तभी उनको याद आता है या इससे पहले भी वो हमीरपुर में आए हैं? आज जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो वो जनता के सामने आ जाते हैं और जब वो चुनाव जीत कर चले जाते हैं उसके बाद वो 5 साल कहीं भी जनता के सामने नहीं आते हैं। रामलाल ठाकुर जी एक ईमानदार और एक कर्मठ और कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने हमेशा काम किया है। आज वो अपने काम के इससे वोट मांग रहे हैं, परंतु जहाँ तक अनुराग ठाकुर की बात है, आज भी वो अपने उपलब्धियों से या अपने उनके पिता 2 बार मुख्यमंत्री उनकी उपलब्धियों को लेकर वोट नहीं मांग रहे हैं। वो आज भी मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। वो अपनी एक अचीवमेंट बता दें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए जो उन्होंने आज तक 3 बार संसद रहे वो उन्होंने कुछ किया हो इस संसद। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़ी रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।